will be doing the chapter area of triangle. Area of triangle nikalne ke there are lots of formulas. We'll see one by one. Uske baad uska application dekhenge. Area of triangle nikalne ka sabse common formula jo ki we use, wo to sabko pata hai, half into base into height. Height matlab altitude hona chahiye. दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लूडेड एंगल. इंक्लूडेड एंगल के बारे में बात करेंगे. थीटा इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड्स ए एंड बी. फिर आपको थर्ड होता है रिलेशनशिप आर इंटू एस. स्मॉल आर हम लोगों ने जैसे बात किया था, स्मॉल आर मेरा इन रेडियस होता है और एस इज द सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर निकाल के उसको हाफ करना पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. फिर फोर्थ रिलेशनशिप होगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन फोर आर. A, B, C are again sides of a triangle and capital R will be the circumradius. And fifth relationship जो होता है use वो होता है Heron's formula. हम लोगों ने पहले chapter में देखा था कि scale in triangle का area निकालने में help होता था इससे. तो in total there are five, एक दो और भी है लेकिन mainly यही पांच use होता है. इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए. हाँ, तो अपने ऊपर है कि हमें कौन सा यूज करूंगा कि आंसर मेरे को थोड़ा फास्ट मिलेगा. हाँ, तो चलो इन सारे के एप्लीकेशन देखते हैं गाइस. लेट्स से पहला सवाल, फाइंड द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल हैविंग डायमेंशंस 6, 8 and 10 यूनिट. आपको ट्रायंगल का साइड देख के नजर आना चाहिए कि ट्रिपलेट चल रहा है 6, 8 और 10 का, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो समथिंग लाइक दिस एबीसी, इसका इन रेडियस निकालना. इन रेडियस निकालना है मतलब अंदर में जो भी सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा उसका रेडियस चाहिए मेरे को. निकालने के बहुत सारे तरीके लेकिन अभी विल स्टिक टू व्हाट एवर वी हैव लर्नड राइट नाउ. ये मान लो 6 है, ये मान लो 8 है, हाँ तो ये 10 हो गए. Else नहीं तो ये 8 होगा, नहीं तो ये 6 हो. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, ये 8 लो और नहीं तो इसको 8 लो. तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मेरे को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगा सकता हूँ. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस विल गिव मी द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल. और मेरे को इन रेडियस निकालना. आप सोचो इन रेडियस को एरिया से कैसे कनेक्ट करते हैं. इन रेडियस कनेक्ट होता है आर इंटू एस से. तो एक बार एरिया मैंने निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से और एक बार एरिया मैंने निकाला R into S से. अभी आप सोचो कि ये दोनों एरिया बराबर होगा कि अलग अलग होगा. एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, हाँ तो ये दोनों बराबर होना चाहिए. इट मींस एक बार एरिया वो आपने यहां से निकाल के इसको इक्वेट कर देना है. हाँ, तो इक्वेट करेंगे तो आंसर आएगा हाफ इंटू सिक्स इंटू एट इज इक्वल टू, आर नहीं पता है, एस हो जाएगा 6 + 8 + 10/2. S मतलब सेमी पेरीमीटर गाइस. हाँ, इनको ऐड करो 8 से 14 और 10 आएगा 24/2. हाँ, 2 विल गेट कट. 8 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा तो इन रेडियस आ गया मेरे को 2. ये आंसर हो गया. निकालने का एक और अच्छा तरीका है वो सर्कल वाले चैप्टर में देखेंगे लेकिन अभी के लिए फिलहाल अगर इन रेडियस निकालने की बारी आई हाँ तो आप हमेशा सोचोगे एक R into S तो यूज कर नहीं करना है और कहीं और से एरिया निकाल देते हैं. हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल देते हैं, एल्स नहीं तो लेट्स हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल देते हैं और दोनों को इक्वेट कर सकते हैं तो R मिल जाएगा. सर्कम रेडियस निकालना है. सर्कम रेडियस निकालना है हमारे को पता है
राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस निकालने के लिए मेरे को कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं करना चाहिए. हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में बात किया है. इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है ये मेरा सर्कम सेंटर होता है, और सर्कम सेंटर अगर ये है, हाँ, तो जो भी सर्कम रेडियस होगा वो इसका आधा आधा हो जाएगा. इट मीन सर्कम रेडियस मेरे को 5 हो जाएगा, इन रेडियस मेरा आया था 2. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से अगर अभी मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, फाइंड द सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग साइड्स 25, 25 and 40. और डायमेंशन देना है और भी दे सकता हूं, यहां सुन लो, और डेटा दे रहा हूं. ए बी मान लो आपको 25 है, ए सी मान लो 25 है, और मेरा बी सी है 40. चलो साइड का नाम भी दे दिया. लेट्स से ए बी सी ये 25 और 25 और ये 40. चलो सबसे पहले इन रेडियस निकालने का सोचते हैं गाइस. इन रेडियस निकालना, अगेन मन में थॉट लाओ, इन रेडियस निकालना है मेरे को तो आर इंटू एस तो यूज करना पड़ेगा. आर अननोन है लेकिन एस तो नोन है. इन तीनों को ऐड करके दो से डिवाइड करूंगा तो एस मिल जाएगा. ये तो एक जगह से एरिया निकाल लिया. अभी मन में सोचो कि एक और जगह से एरिया निकालना पड़ेगा. हाँ स्टूडेंट लो, यहाँ पे थोड़ा जल्दीबाजी में लो, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. अगर तीनों साइड पता है, हाँ, तो अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला पार्ट, लेकिन वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि उसमें इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन. हाँ तो जो आइडिया सीखे थे अभी भी उसी पे हम लोग करेंगे काम. आइसोसेलेस ट्रायंगल आया, हाँ, तो पहला थॉट होना चाहिए, हाँ, कि वी शुड ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द अनइक्वल साइड. मतलब अनइक्वल साइड पे गिराएंगे परपेंडिकुलर AD, हाँ, तो ये 20-20 हो जाएगा. और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 25 है 20 है, ट्रिपलेट लगाओगे तो 15 आ जाएगा. अभी आप सोचो, अभी इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है मेरे को, हाँ, तो बेस पता है 40 और हाइट पता है 15, हाँ, तो एरिया निकालना अभी तो इजी है, हाफ बेस इनटू हाइट से. हाँ तो ये इक्वेट करना मेरे को ज्यादा आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. हाँ तो ये थॉट से आंसर और जल्दी आ जाएगा. हाफ इंटू, I know base is 40 and height is 15. R into S हो जाएगा, 25-25 से हो जाएगा 50 और 40, 90 by 2, ये 2-2 will get cut. 15-6 जा, तो R हो जाएगा 40 by 6 और नहीं तो छोटा करोगे तो 20 by 3, ये आपका in radius हो गया. अभी आप बोलोगे मेरे को भी सर्कम रेडियस निकालना है, सर्कम रेडियस निकालना है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है गाइस. आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर्कम रेडियस निकालना है तो हाफ बेस इनटू हाइट से तो इक्वेट सर्कम रेडियस निकालना है. हाँ तो आई विल यूज ए इनटू बी इनटू सी अपॉन 4R वाला पार्ट यूज कर लेंगे. हाँ ये यहां से एक बार एरिया निकाल लो, एक बार यहां से एरिया निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दोगे तो सर्कम रेडियस मिलेगा. आई नो बेस इज 40, हाइट मेरे को पता है 15 है, ए मेरा 25 है, बी भी मेरा 25 है और सी मेरा 40 है और नीचे में आएगा 4R. 40-40 तो ऐसे ही कट जाएगा, हम दो से जाएगा ये दो बार में, 5-3 and 5-5. R को इधर भेज रहा हूं, R इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25 into 5 will be 125 and upon 6. तो अराउंड कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 20.5/6, 83 something, ये आपका सर्कम रेडियस हो जाएगा. रुक जाओ, वेरीफाई कर ले रहा हूँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है. 40-40 कट गया, 5-5 and 5-3 and 2-2, और इधर भेजूंगा तो
125/6 सही है, ये कैपिटल आर हो जाएगा मेरा। हाँ तो इन नटशेल इन रेडियस निकालना है, हाँ तो मन में सोचो आर इंटू एस यूज करना है और कहीं और से एरिया निकालना चाहिए। एरिया निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हाफ बेस इंटू हाइट है। अगर मेरे को बेस पता है हाँ तो आप कोशिश करो हाइट निकाल लेने का, उनको इक्वेट कर दोगे हाँ तो इन रेडियस मिल जाएगा। फिर सर्कम रेडियस निकालना है अगर, तो अगेन सोचो एबीसी बाई फोर आर तो यूज करना पड़ेगा और कहीं और से एरिया मिल जाए, कहीं और से एरिया मिल जाए मीन्स इजिएस्ट वे आउट इज हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मेरे को हाइट अगर निकाल लेते हो इनको इक्वेट कर दोगे तो सर्कम रेडियस भी मेरे को मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा इस टाइप के आइडिया को यूज कर सकते हैं।